एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। सो आज के इस वीडियो में हम क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पैसे के बारे में, यस फंड्स के बारे में, लेकिन दो अलग अलग तरह के फंड्स के बारे में। वन इज ऑनर्स फंड, अनदर वन इज बोरोड फंड। सो ये पूरी वीडियो ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। पहले तो हम इन दोनों का मतलब समझ लेंगे क्या होता है, बिजनेस में इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और उसके बाद हम इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स। सी, सबसे पहले इमेजिन करो एक इंसान है, ठीक है, जिसका नाम है पप्पू। नाम पे मत जाइए, काम का इंसान है बहुत ये। अब पप्पू जी को शुरू करना था अपना खुद का एक बिजनेस। अब एक बिजनेस हवा में तो शुरू नहीं हो जाते, बिजनेस के लिए लगता है पैसा, जो कि इनके पास था नहीं। मतलब ये अमीर बाप की औलाद नहीं थे, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट इनके पास पैसा नहीं था, बट आइडियाज इनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया थे, और इनको पता था कि इनको एक दिन बिजनेस ही शुरू करना है, बाकी किसी भी चीज में इनका इंटरेस्ट नहीं लगता था। तो इन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जब एक्सप्लोर किया तो इनको पता लगा कि दो तरीके हैं जिनसे ये पैसे की अरेंजमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला तरीका है कि ये लोगों के पास जाएं, उनको बोलें कि सर मैं अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं अपने पैसे लगाने में? अब सामने वाला इंसान पूछेगा इनसे कि भाई मैं अपने पैसे क्यों लगाऊं, मुझे क्या मिलेगा, और मैं क्यों अपना पैसा ऐसे रिस्क में डालूं? तो ये बोलेगा कि सर काम मैं करूंगा लेकिन बिजनेस आपका होगा, ऐसे मानिए। अब इस तरह के जो लोग आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑनर्स, और इनसे जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑनर्स फंड। ये हो गया एक तरीके का पैसा। इसके अलावा जो सेकंड तरीका है वो है कि कुछ लोगों के पास गए, उनके पास जाके इन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं, क्या आप मुझे पैसे उधार पे दे सकते हैं? मतलब क्या आप लोन के रूप में मुझे पैसे दे सकते हैं? सामने वाले ने बोला ठीक है, बस तुम्हें लोन वाली सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, मतलब मुझे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो सब कर लूंगा। यहां पे जो पैसा ये ले रहे हैं, अब इस पैसे को हम बोलते हैं बोरोड फंड्स। मतलब ये उन लोगों से पैसा लिया हुआ है जो अपना पैसा वापस मांगेंगे एट अ सर्टेन टाइम। जबकि दूसरी साइड क्या था, ऐसे फंड्स थे जिनको दोबारा अपना पैसा नहीं चाहिए एज सच। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इतने दयावान तो होंगे नहीं कि ऐसे ही उठा के अपना पैसा दे देंगे ऑनर्स फंड के नाम पे, या ऐसे ही पैसा उठा के दे देंगे बोरोड फंड के नाम पे, ये भी तो इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो बिल्कुल कर रहे होंगे। ऑनर्स फंड जब भी कोई इंसान देता है, ना सिर्फ वो उस कंपनी का ऑनर बनता है, बल्कि एट द सेम टाइम अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा इसको भी मिलता है। बस इमेजिन करो कि आपने एक दुकान खोली है, दुकान खोलने पे आपको हुआ है बहुत सारा मुनाफा। अब मुनाफा आप अपने घर ही लेके जाओगे ना, वो तो आपकी इनकम ही होगी। तो बस सेम चीज है, कंपनी यहाँ पे खोली है इस इंसान ने, पैसे किसके लगे हैं, इस इंसान के, तो जिस इंसान के पैसे लगे हैं उसको प्रॉफिट भी तो मिलेगा। ऑन द अदर साइड ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं या जिनसे हमने बोरोड फंड्स लिए हैं वो हैं, अगर इनकी बात करें कि इनको रिटर्न में क्या मिलता है, तो इनको मिलता है इंटरेस्ट। बस इमेजिन करो बैंक से लोन लिया है, लोन लेते ही बैंक वाले हर महीने तुम्हारे घर के सामने खड़े हुए हैं कि सर इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट दे दो। बस यहाँ पे भी सेम है, बोरोड फंड लोन की तरह मिलता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो ये ऑनर्स फंड प्लस ये बोरोड फंड जो भी है, ये मिला के ये इंसान पप्पू अपना बिजनेस शुरू करेगा, और इन दोनों फंड्स को कंबाइंडली हम बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल बोले तो वो पैसा जिससे बिजनेस चलाया जाता है। तो बिजनेस चलाने के लिए इसने ऑनर्स फंड लिए कुछ लोगों से, कुछ लोगों से इसने बोरोड फंड्स लिए, और दोनों मिला के इसने बना दिया कंपनी का कैपिटल। आई होप आपको ऑनर्स फंड और बोरोड फंड समझ में आ गए होंगे। लेमेंस लैंग्वेज में अगर मैं आपको फिर से एक बार बोल के बताऊं, तो ऑनर्स फंड
वो फंड्स होते हैं जो कि ऐसे लोगों से आते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर बन जाते हैं पैसा देने के बाद, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उनसे बिलोंग करती है। भाई जिसके पैसे लगे होंगे वही तो ऑनर कहलाया जाएगा, वही तो मालिक कहलाया जाएगा। तो ये मालिक हो जाते हैं क्या, तो ये क्या हो जाते हैं, मालिक हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और प्रॉफिट पे भी इनका अधिकार होता है। वेयरस जो ये हमारे बोरोड फंड देने वाले लोग होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिटर्स होते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने उधारी पे हमें पैसे दिए हैं, और इनको इनके रिटर्न में मिलता है इंटरेस्ट। सो ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के साथ आते हैं, ये ऐसी कोई ऑब्लिगेशन के साथ नहीं आते हैं। प्रॉफिट तो तभी बांटेंगे ना जब प्रॉफिट हुआ होगा, तो ऑब्लिगेशन इनमें कुछ भी एसेट्स देने की नहीं होती है। वेयर एज इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। बैंक नहीं सुनता एक बार लोन देने के बाद कि आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं दे पाएंगे इंटरेस्ट। बैंक तो कहीं से भी निकालेगा इंटरेस्ट, ऐसे मानिए। तो ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के साथ होते हैं और ये कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन के साथ नहीं होते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस है मीनिंग का। ये बोलते हैं ऑनर्स फंड कंट्रीब्यूट करते हैं ऑनर्स कंपनी के, और ऑनर्स बनते कैसे हैं, वो इक्विटी शेयर्स लेके, प्रेफरेंस शेयर्स लेके। अभी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये सब क्या होते हैं, ये मैंने इंडिविजुअल वीडियोस में कवर किया है और इनके डिफरेंसेस भी कवर किए हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज ऊपर ब्लिंक होता हुआ आपको दिखेगा, आप इजीली देख सकते हैं वो वीडियोस। सो ऑनर्स फंड ऑनर्स द्वारा कॉन्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वेयर एज ये फंड्स डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड्स, लोन्स देने वाले कमर्शियल बैंक्स, इन सब द्वारा दिए गए होते हैं। ऑनर्स फंड की जब हम बात करते हैं तो ये कंपनी में हमेशा के लिए इन्वेस्ट हो जाते हैं, मतलब एक बार अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो वो कंपनी में लगे रहेंगे पैसे। हो सकता है इन्वेस्टर बदल जाए लेकिन पैसा तो लगा ही रहेगा। ऑन द अदर साइड बोरोड फंड कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे आप किसी से लोन लेते हैं तो लोन आप कुछ सालों के लिए लेंगे, कुछ महीनों के लिए लेंगे, कुछ हफ्तों के लिए लेंगे। ऐसे तो नहीं लेंगे कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक के लिए ये लोन हो गया, या फिर मैं मर भी जाऊंगा उसके बाद के लिए भी ये लोन होगा, ऐसे लोन कोई नहीं देता। तो बोरोड फंड हमेशा एक टाइम पीरियड के साथ आते हैं, वेयर एज हमारे ऑनर्स फंड परमानेंटली इन्वेस्ट हो जाते हैं। देन रिस्क, इट कैरीज रिस्क ऑफ बिजनेस। भाई अब किसी ने ऑनर्स फंड में इन्वेस्ट किया है, मानिए मैंने ही किया है, कंपनी चली नहीं, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे क्या कोई इनकम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो मुझे इनकम कहां से मिलेगी। वेयर एज बोरोड फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी इनकम तो पक्की होती है। कोई आपको लोन देता है तो उसके बाद आपसे नहीं सुनता ना कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको कहीं से भी अरेंज करके जुगाड़ लगा के पैसे देने ही पड़ते हैं। तो बोरोड फंड जो लोग देते हैं कंपनी को, उन लोगों का तो पैसा सिक्योर्ड रहता है, ऐसे मानिए, और उनको ना सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा बल्कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिलेगा। लोन का पैसा भी तो वापस करोगे भाई। सो यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। कंट्रोल, ये बोलते हैं कि ऑनर्स फंड जब पैसे देते हैं ना, साथ में कंपनी का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि वो क्या बनते हैं, कंपनी के ऑनर बनते हैं, कंपनी के मालिक बनते हैं। अब वह मालिक तो डिसीजन ले ही सकता है ना कंपनी के लिए, तो यहाँ पे पूरा पूरा कंट्रोल उनके हाथ में लाए करना शुरू कर जाता है। पर कभी सुना है किसी उधार देने वाले इंसान ने आपकी लाइफ में कंट्रोल करना शुरू कर दिया हो? नहीं सुना होगा, कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बोरोड फंड्स देने वाले लोगों का कोई कंट्रोल लाई नहीं करता है कंपनी पे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ऑनर्स फंड में आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान अपने पैसे लगा के आपसे मालिकाना अधिकार ले रहा है। ऑन द अदर साइड बोरोड फंड में आपको सामने वाले को कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाएंगे, कोई भी बैंक आपको फ्री में लोन नहीं देगा, आपको पहले अपनी जमीन जायदाद के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं ना, वो सारे रखवाने पड़ते हैं बैंक में, तब जाके कहीं आपको लोन मिलता है। और ये क्यों करता है बैंक? क्योंकि अगर आप कभी कल पैसे लेके भाग जाए नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे, तो क्या करेगा बैंक?
बैंक आपके वो जो प्रॉपर्टी के पेपर होंगे ना, उससे आपकी प्रॉपर्टी को सीज करेगा, अपने अंडर ले लेगा, उसको बेचेगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे अपने लोन का भुगतान करेगा। सो यहाँ पे आपको बोरोड फंड में सिक्योरिटी देनी पड़ती है लोगों को, क्योंकि ये उधार वाला पैसा है। हमेशा याद रखिएगा, बोरोड मतलब उधारी वाला पैसा। तो उधारी वाले पैसे में आपको फ्री फंड में कुछ नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड, ऑनर्स फंड वालों को जब रिवॉर्ड मिलता है तो वो प्रॉफिट के रूप में मिलता है, वेयर एज बोरोड फंड वालों को इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे, 1 महीना, 1 हफ्ता, 3 महीने, 1 साल वाले पीरियड में इंटरेस्ट दिया जाता है इन लोगों को। प्रायोरिटी मतलब आपके पैसे का भुगतान करना कितना प्रायोरिटी वाला काम है। अब यहाँ इमेजिन करो, एक इंसान से आपने लिया हुआ है लोन, ठीक है, इस इंसान से आपने क्या लिया है, उधारी पे पैसा लिया हुआ है। दूसरी तरफ आपके भाई ने आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और आपके साथ मिलके वो ओनर बना हुआ उस बिजनेस का। अब अगर आपको पैसे लौटाने हैं तो आप किसके पैसे पहले लौटाएंगे, अपने भाई के लौटाएंगे या फिर वो बाहर वाले इंसान के जिससे आपने लोन लिया हुआ था? ऑब्वियसली आप बाहर वाले इंसान के लौटाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे आपने लोन लिया है। ये नहीं है कि आपका भाई है तो इसलिए आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि आपके भाई ने ऑनर बन के आपके साथ उस बिजनेस में मालिकाना अधिकार लिया है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच पहले आप प्रायोरिटी किसको देंगे, बाहर वाले लोगों को देंगे जिनसे आपने उधारी पे पैसे लिए हुए हैं। सो इनको हमेशा इंटरेस्ट में भी प्रायोरिटी मिलती है, पेमेंट में भी प्रायोरिटी मिलती है, फंड्स रिपेमेंट में भी प्रायोरिटी मिलती है, हर एक चीज में प्रायोरिटी मिलती है, वेयर एज इनको नहीं मिलती है। नेचर ऑफ रिटर्न, द रेट ऑफ डिविडेंड में फ्लक्चुएट ईयर टू ईयर। ये बोलते हैं भैया डिविडेंड तो ना फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी सुना है किसी इंसान को हर साल हर महीने सेम अमाउंट का प्रॉफिट होता है? फॉर से मैं बोलती हूँ 9000, 9000, 9000, 9000, मुझे हर साल 9000 का ही प्रॉफिट होता है, कभी होगा ऐसे पॉसिबल? नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा चलता रहेगा, 19-20 रहेगा, 9000, 8000, 7000, 6000, 8000, 9000 ऐसे चलेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड जो ये इंटरेस्ट का रेट होता है ना, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। मतलब मैं किसी बैंक से लोन लेती हूँ, उन्होंने बोला 10% आपका इंटरेस्ट लगेगा, तो ये 10% ना जब तक मैं लोन रिपे नहीं कर देती ना तब तक सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, फिक्स्ड रहता है, वेयर एज रेट ऑफ डिविडेंड बदलता रहता है, जितना आपने प्रॉफिट कमाया है उसके अकॉर्डिंग ही रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा। ये थे कुछ डिफरेंसेस किसके, ऑनर्स एंड बोरोड फंड के। नाउ आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हैं, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।